पहले ही दिन से पहली कक्षा से कह रहा हूँ कि मैं मध्य ज्ञान समझा नहीं पाऊंगा, क्योंकि ये केवल ज्ञान गम्य है। हम और आप अनुमान ज्ञान से मध्य ज्ञान को समझें। आप सबका मध्य ज्ञान एक जैसा अनुमान लगाएगा, ये पॉसिबल नहीं है। मुझे पता है, मैं आम सभा को पढ़ा रहा हूँ, विद्वानों को नहीं, ये भी मुझे पता है। लेकिन विद्वानों के पास बहुत जानकारियाँ होती हैं, उन्हें निश्चित रूप से मेरे प्रवचन में कोतूहल हो सकता है, ये भी लग सकता है ये ज्ञान गुण की पर्याय तो है ही नहीं, ये कैसे कह रहे हैं। मैंने इसके लिए कहा था असंख्यात लोक प्रमाण कथन। सयाजवाद के जो कथन हैं वे बहुत हैं, आपके पास उसको रिपीट नहीं कर रहा हूँ। लेकिन मैं सबको ये कहना चाहता हूँ कि आप लिखित प्रश्न जरूर भेज दें, मैं पहले उसको उत्तर ना दूँ। मेरे से पिछले 5 वर्षों में जितने प्रश्नोत्तर हुए हैं वो मेरे दिमाग में हैं, मैंने कोशिश की है उन्हें लिखने की और उत्तर देने की। एक बात कहकर के मैं आपको बड़े आराम से 2 बातें एक बार रिपीट ही कर देता हूँ कि ज्ञान गुण में अनंत गुणों का रूप है, इसलिए अन्य गुणों की पर्यायों की चर्चा भी ज्ञान के माध्यम से की जा सकती है। ज्ञान से बंद नहीं होता, ये बात पक्की बात है। अल्प ज्ञान से भी बंद नहीं होता, विपरीत ज्ञान से भी बंद नहीं होता, क्षोभ ज्ञान से बंद नहीं होता, ये ध्यान में रखो। और फिर भी मैं कहूँगा कि बंद होता है, मैं कहूँगा तो आप मुझे ये मत कहना कि वो तो चारित्र गुण की पर्याय से होता है, चारित्र मोहिनी से होता है, ये मुझे मत कहना। आप वक्ता के अभिप्राय को नए कहते हैं, इसलिए एक खुलासा मैंने ये कर दिया आपको। अब मैं पढ़ाता हूँ आपको। 3 प्रश्न मेरे सामने आए। पहले प्रश्न का जवाब नहीं दूंगा, वो आप कर्णानियों वालों से पूछ लेना। मैं अभी इस समय ऐसे से करने बैठ जाऊं कि लिखो जी आपको 400 योजन, क्या लिखा था, क्या धनुष, 400 धनुष का कैसे होता है, हाँ हमें नहीं मालूम, होता है बस, केवल ज्ञान प्रमाण खत्म। दूसरे प्रश्न का उत्तर ये है, तीसरे प्रश्न का उत्तर समय आने पर दे देंगे। दूसरे प्रश्न का उत्तर ये है, वृक्षों में वनस्पतियों में गजब गजब की आप डिस्कवरी चैनल पर देखते हो तो, या एक चीज़ मिलेगी वंडरफुल देखी हो उसमें एकेंद्री के बारे में कितनी जानकारियाँ दी, उंगली दिखाओ मुरझा जाता है, एक वृक्ष उंगली दिखाओ वो मर ही जाता है, वृक्ष अपने रंग बदल लेते हैं, वृक्ष शत्रु आए उससे बचने के लिए अपना रंग बदल लेते हैं, भंवरा को देख करके भंवरा जैसा बन जाता है वो, और भंवरा उस पर बैठता है तो जहर छोड़ के मार देता है, खिला रहता है और आदमी आए उसे पूरा निकलना मुश्किल है। मैंने 4-6 वृक्ष बताए आपको। आप यदि एक एकेंद्री को जानने जाओगे ना तो आपको बहुत विस्मय होगा। विज्ञान जो दिन रात इसमें लगा रहता है, वनस्पति का ऐसी जानकारी करने के लिए बॉटनी, वे पूरा दिमाग लगा करके भी पूरे विश्व के बॉटनिकल जो इंजीनियर हैं, साइंटिस्ट हैं, वे अभी तक पार नहीं पा सके। उसका उत्तर मैंने इसमें दिया था
तदिंद्रिया निंद्रिया निमित्तम एक है इसमें। तीसरे नंबर पे लिखा है असंगी को, असंगी को माने निगोस से लेकर असंगी पंचेंद्री तक जितना व्यापार होता है, बचने का, भागने का, खाने का, मिटाने का, युद्ध का, लड़ाई झगड़े का, वो सब इंद्रियों के संस्कार से होता है। हम कहेंगे कर्मोदय के संस्कार से होता है, और गुरुदेव श्री कहते थे उन जीवों की उस समय की ज्ञान की चार गुण की वैसी योग्यता होती है। मैंने निमित्त से भी उत्तर दे दिया और उपादान से भी दे दिया। इंद्रिय संस्कार भी कह देते हैं समझाने के लिए, कर्म का उदय भी कह देते हैं, लेकिन सच्चा उत्तर, परमार्थ का उत्तर ये है कि एक इंद्रिय आदि से लेकर असंगी पंचेंद्रिय तक ऑटोमेटिक तस समय की योग्यता से काम करते हैं। ज्ञान पराधीन कभी नहीं होता, पराधीन कहना समझाने की मजबूरी है। ज्ञान कभी भी पराधीन नहीं होता है। समझ में आया? एक स्लिप आ गई है, अमित बड़जात्या जी हों तो भी चले जाएं यहाँ से थोड़ी देर के लिए। अमित बड़जात्या जी सूरत, सूरत के हैं, कहाँ के हैं? सूरत के ना। अमित बड़जात्या जी यदि उपस्थित हों तो बाहर चले जाएं, उनके पिताजी को चिकित्सा के लिए उनकी ज़रूरत पड़ रही है। चलिए अब मैं शुरू कर देता हूँ। ओम नमः शिवाय। आइए आज हम सीधे सीधे शुरू कर रहे हैं। मेरा चार्ट छपा हुआ है इसमें, पेज नंबर 74। यहाँ से आइए सर, आज हम आपको प्रोसीजर पढ़ाना चाह रहे हैं। ज्ञान काम कैसे करता है, बीच में रुक करके एक बार फिर कहता हूँ, मैं जानता हूँ मेरे पढ़ाने के बाद बहुत ऑब्जेक्शन आ सकते हैं। मध्य ज्ञान और श्रुत ज्ञान में इतना बारीक अंतर है कि वी कांट एक्सप्रेस, इतनी सूक्ष्म धारा है, हम जरा भी कुछ कहेंगे तो यूं समझ लो, मैं अपनी तरफ से कहूँ तो मैं श्रुत ज्ञान की भाषा में मध्य ज्ञान पढ़ा रहा हूँ, इतनी मजबूरी है। पढ़ाना है मध्य ज्ञान और श्रुत ज्ञान की भाषा में पढ़ा रहा हूँ, इसलिए जब जब मैं मध्य ज्ञान कहूँगा आपको लगेगा श्रुत ज्ञान, लेकिन ये मेरी वाणी की असमर्थता है ये समझाने की। उसमें मैंने लिखा है जितना आपको समझ में आ जाए उससे असंख्यात गुना समझना, आनंद गुना समझना, बराबर। चरणानियों का प्रवचन जल्दी समझ में आ सकता है, प्रथमानियों का जल्दी समझ में आ सकता है। हम जो पढ़ने जा रहे हैं ये टोटली टेक्निकल है, माने यूँ समझ लो कि भिखारी भी मोबाइल चला सकता है, लेकिन मोबाइल बनाना बहुत बड़े सॉफ्टवेयर इंजीनियर का काम है, और जितना बड़ा सॉफ्टवेयर इंजीनियर वो मोबाइल बना सकता है, सुधार सकता है, नए नए प्रोग्रामिंग कर सकता है, उतना कठिन काम संसार में बिरले लोग करते हैं। उनका पैकेज होता है 350 करोड़ रुपया साल का, सुंदर पिचई। अब समझो मैं सुंदर पिचई जैसी पढ़ाई करा रहा हूँ, मैंने इतना सूक्ष्म विषय मैंने लिया है, ये सुनकर के भी मत पढ़ा, बहुत कठिन पड़ेगा, लेकिन भगवान की दिव्य ध्वनि कठिन नहीं होती है। बस केवल आप जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो पढ़ोगे और पुराने पढ़े हुए से नहीं मिलाओगे तो आपको बहुत मजा आएगा। इतनी बात मेरे 12 मिनट खत्म हो गई, अब मैं सीधे सीधे विषय पे आ रहा हूँ। चार्ट अपन देखेंगे, उस चार्ट में मैंने लिखा है सबसे पहले ज्ञान काम कैसे करता है, ग्रेस्पिंग प्रोसीजर, जानने की विधि। हमारे पास उपयोग नाम का गुण है, उपयोगो लक्षणम, नाम बोलो उपयोगो लक्षणम। इस उपयोग के दो भेद हैं, दर्शनोपयोग और ज्ञानोपयोग। मैं द्रव शक्ल जी की गाथा पढ़कर अपना समय खराब नहीं करना चाहता। दर्शनोपयोग और ज्ञानोपयोग दो हुए, दर्शनोपयोग और ज्ञानोपयोग को मैं ज़्यादा नहीं समझाऊंगा, बस मुझे देखते रहिए आप समझेंगे। दर्शनोपयोग माने जिसमें निर्णय नहीं होता ऐसा उपयोग, और
और ज्ञानोपयोग माने जिसमें निर्णय होता है ऐसा उपयोग। टेक्निकल भाषा में दर्शनोपयोग के कहते हैं साकार और ज्ञान सॉरी अनाकार और ज्ञानोपयोग को कहते हैं अनाकार है? मैं उल्टा बोल रहा हूँ, बिल्कुल ठीक। दर्शनोपयोग को कहते हैं अनाकार और ज्ञानोपयोग को कहते हैं साकार, और ये दोनों परिभाषाएं आपको 47 शक्तियों में मिल जाएंगी। अनाकार उपयोगमयी, साकार उपयोगमयी। साकार का मतलब होता है निर्णय। साकार माने मॉडल नहीं, आकार नहीं, डिजाइन नहीं। अपन आकार जो समझते हैं कहते से मनुष्य का आकार, ऐसे नहीं समझना। आकार का मतलब होता है निर्णय। अनाकार का मतलब होता है निर्णय नहीं होना। जैसे आप मोटरसाइकिल चलाते हुए जा रहे हैं, दो उपयोग आपके काम कर रहे हैं। सड़क पर कुछ डिसीजन मेकिंग होती जाती है कि हम सड़क पर चलते चले जाएं, गड्ढों से बचते चले जाएं, टकराएं नहीं, इतना निर्णय करते जा रहे हो, ये आपका ज्ञानोपयोग है। लेकिन आपको पता है पूरा का पूरा पूरी पूरी सड़क एक साथ दिखाई दे रही है, बहुत सारे लोग दिखाई दे रहे हैं एक साथ, उनमें से आप 99% का निर्णय तक नहीं करते। यदि मैं पूछूँ ना कि तुम कुनकुन नगर से यहाँ तक आए अजय, तो हमारे भैया दिखे थे क्या? यार ध्यान नहीं, कुछ पता नहीं है। जबकि इतनी भीड़ में हमारे सब दिख रहे होंगे, तो अभी मैं देखने मात्र से निर्णय नहीं कर सकता। हाँ, देखने के बाद मेरा उपयोग किसी एक व्यक्ति को विषय का है तो उसको जान लेगा। जानना, अब समझ गया, ज्ञान का काम निर्णय करना और दर्शन का काम ओनली देखना। जैसे ही आप फोटो देखते हैं, ग्रुप फोटो देखते हैं, ये दर्शन, और फिर तुम अपना फोटो ढूंढते हो, ये ज्ञान, और फिर अलग भिन्न भिन्न करते जाते हो, ये श्रोत ज्ञान, भिन्न करने के फिर अपना फोटो पहचाना, ये मैं हूँ, ये सम्यक दर्शन। नहीं समझना है, जल्दी बोलिए, चलो धीरे धीरे पढ़ाऊंगा। तो अब आ जाइए हम मध्य ज्ञान में आना है हमको। मध्य ज्ञान सबसे पहले दर्शनोपयोग माने देखने के बाद, जस्ट आफ्टर सी, देखने के बाद सबसे पहले जिस विषय का हमें निर्णय करना है वो विषय सबसे पहले मध्य ज्ञान में प्रवेश करता है। मध्य ज्ञान के अंदर जब प्रोसेसर स्टार्ट होता है, तो उस प्रोसेसर में सबसे पहले चार स्टेप है। मध्य ज्ञान के अंदर चार स्टेप है जिसका नाम है अवग्रह, ईह, आवाय, धारणा। अवग्रह क्या करता है? अवग्रह मैंने सीधा सीधा ग्रहण करना, फर्स्ट ग्रेस्पिंग। इसलिए हमको लगता है ये सबसे पुअर, सबसे पुअर क्यों? कि सबसे पहले आया है, इसलिए वो कमजोर लगता है। बिल्कुल सही बात है। होता क्या है, अवग्रह के अब दो भेद होते हैं। अवग्रह के दो भेद कौन कौन से होते हैं? दो भेद, एक अर्थावग्रह और एक व्यंजनावग्रह। एक अर्थावग्रह, एक व्यंजनावग्रह। जरा नाम बोलोगे? भूख लग रही है, नींद आ रही है? मैं जानता हूँ थोड़ा इस समय में टिपिकल है पढ़ाना, लेकिन मजा बहुत आएगा आपको। मैंने भूल गया, पहला कौन सा वाला था? अर्थावग्रह और एक व्यंजनावग्रह। बिल्कुल सरल भाषा में समझाऊंगा, छह इंद्रियों से जो जानने में आ जाए वो अर्थावग्रह, और जो चार इंद्रियों से जानने में ना आए केवल दो का विषय बनता है यहाँ पर, व्यंजनावग्रह। व्यंजनावग्रह में चार इंद्रिय ऐसी हैं जिससे जानने में नहीं आता, जितना जानने में आता है वो अर्थावग्रह। अर्थ माने पदार्थ, अर्थ माने गे, अर्थ माने द्रव्य, अर्थ माने गुण, अर्थ माने पर्याय, अर्थ माने जो कुछ देखा जाना, वो जितना समझ में आ गया वो अर्थावग्रह, और जितना समझ में नहीं आया वो, अब तो सरल हो गया। चार इंद्रियां कौन सी हैं? जैसे स्पर्शन,
आपने देखा है भीड़ भाड़ में अपन चलते हैं और कौन कौन टच कर गया अपन को पता ही नहीं लगता। सुन रहे हैं, सुन रहे हैं? तो आप एक साथ दो जगह नहीं सुन सकते, मेरा भी सुन लो और ऊपर का भी सुन लो। जो ऊपर का सुन रहे होंगे वो हमारा नहीं सुन पा रहे। आप मेरे तरफ सुन रहे हैं ना तो अपनी हार्ट बीटिंग नहीं सुन पा रहे। रात को सोते समय देखा सन्नाटे में आपको अपने दिमाग की आवाज सुनाई पड़ती है। अभी सुन के बताओ, सुनो। कोलाहल में अपन नहीं जान पाते, जितना नहीं जान पाते इस पर्सन से, रचना से। रचना, रचना का एग्जांपल, रचना का आप ठंडाई पिए, ठंडाई तो 99% को ठंडक का स्वाद आता है, 90% को मिठास का स्वाद आता है, 40% लोगों को काली मिर्च का स्वाद आता है, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं 50 आइटम डलें, 50 कितने कम लोग होंगे जो 50 का आग्रह करें। तो पीते से ही जितना पकड़ में आ गया आपको मज़ा आया वो अर्थ आ गया, और बाकी आपके पकड़ में नहीं आया उसका नाम कठिन तो नहीं लग रहा है। अर्थाग्रह मैंने पदार्थ का अवग्रह, ग्रह ग्रह ग्रहण करना, मैंने जानने की ओर बढ़ना, मैं बराबर है। अब जानने में आ गया वो हो गया अर्थाग्रह, जितना जानने में नहीं आया, समझ में नहीं आया उसका नाम व्यंजनाग्रह, बराबर है। चक्षु और मन ऐसे हैं जिसमें व्यंजनाग्रह नहीं हो सकता, चक्षु और मन ऐसा है जिसमें व्यंजनाग्रह नहीं होता, क्योंकि चक्षु से कुछ ना कुछ तो जानने में आ ही गया, समझ आया? और मन में भी जो विचार आ रहे हैं वो जानने में आ गए, बराबर है। चार इंद्री थोड़ी ऐसी है, स्पर्श में अनेक स्पर्श को एक साथ नहीं जान सकता, अनेक स्वाद को एक साथ नहीं जान सकता, अनेक शब्दों को एक साथ नहीं जान सकता। अजीत बता सकते हो तुम्हें कितने तेल की खुशबू आ रही है, चंपा की, चमेली की, गुलाब को, उसमें कौन कौन सा तेल होता है, खोपरे का, सरसों का, बताओ भाई कौन कौन को आ रही खुशबू? और ये बात पक्की है कि सब अलग अलग डाल के आए होंगे। तो नाक से एक साथ अनेक खुशबू जानने में आने पर जितना जानने में आ गई वो अवग्रह, और जितनी जानने में नहीं आई वो व्यंजना। इतनी बात समझ में आ गई? नाराज नहीं हो, आनंद लेना हो तो थोड़ा आनंद कर ले, इस जगह करना है आनंद, बोलो। क्योंकि यदि सूखा सूखा पढ़ाऊंगा तो फिर नींद आ जाएगी यार। मैं जानता हूँ ऑब्जेक्शन हो सकता है, लेकिन मेरा अभिप्राय पकड़ना बस। अर्थाग्रह और व्यंजनाग्रह मैं विशेष पढ़ाने जा रहा हूँ, सामान्य नहीं। मैं जानता हूँ मेरे ऊपर ऑब्जेक्शन कर सकते हैं, लेकिन मैं टॉप लेवल पे ले जाके पढ़ा रहा हूँ कुछ। दिगंबर मुनिराज के ऊपर उपसर्ग आता है, लेकिन उसकी रुचि नहीं होती तो व्यंजनाग्रह हो जाता है, और ज्ञाय की रुचि होती है तो ज्ञाय का अर्थाग्रह हो जाता है। चपक श्रेणी मान के केवल ज्ञान करके मोक्ष चले जाते हैं। आपका इंटरेस्ट क्या है बोलो? पता है पत्नी छोटी सी भी बात कहती है ना मुस्कुरा करके, तो पति देखता बॉम्बे में हजारों काम करने पर भी नहीं भूलती, और पापा कहते, ग्रैंड फादर कहते, दादा दादी कहते, बेटा मेरा चश्मा सुधरवा लाना, अच्छा 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 अच्छा, पड़ोसी आए हमारा वो काम कर देना, अच्छा अच्छा ओके ओके। उसके सुनते समय मैं बता सकता हूँ कि कौन से काम करेगा और कौन सा लौट करके कहेगा कि अरे ये भूल गए हो, वहां तक तो याद था चांदनी चौक का, ये भूल क्यों गया? पत्नी ने तो एक स्माइल के साथ धीरे से कहा था वो तो तुझे याद रहेगा, और दादा दादी तो 80-90 साल के हैं, ये तो फरमाइश करते ही रहते हैं, और पड़ोसी तो दूर के हैं। नहीं गलत कह रहे हैं, माता पिता आपको सलाह देते हैं, शिक्षा देते हैं, 99% बच्चे भूल जाते हैं। बेटे गलत काम जिंदगी में कभी नहीं करना, बिना पूछे कोई काम नहीं करना बेटा,
जिंदगी में सुखी होने की विधि बिना पूछे कोई काम नहीं करना है। लेकिन 99% युवा युवती बच्चे बता, गर्लफ्रेंड कोई पूछ के बनाता है, बॉयफ्रेंड कोई पूछ के बनाता है। टेलीविजन में कितने लोगों को भ्रष्ट होते देख लिया, कितने को सुसाइड होते हुए अखबार में पढ़ लिया। सब समझा रहे हैं, सारी दुनिया समझा रही है, फिल्में के फिल्में बन गई। बेटा ऐसे कपड़ा नहीं पहनो, बच्चे क्या सोचते हैं तुम समझो। लेकिन नहीं, अब तो समझ आ गया, इतना खुल्लम खुल्ला समझा रहे। जब गीदड़ की मौत आती है ना तो बिना पूछे चलता है। ऐसे जिनके जीवन में पतन होने का चांस आता है, पुण्य नष्ट होने का टाइम आता है, बहुत मार्मिक बात करूं, जिनके जीवन में पुण्योदय नष्ट होने का टाइम आता है, वे गुरुजनों से पूछकर काम नहीं करते, माता पिता से पूछकर काम नहीं करते, और उन्हें घाटा होता ही है। मैं एक नहीं करोड़ों दृष्टांत दे सकता हूं इसमें, करोड़ों। बहुओं को अपनी सास से सलाह लेना चाहिए माँ बनने समय। माँ से नहीं पूछेंगे, सास से नहीं पूछेंगे, उससे पूछेंगे जो लूटने का ठेका लिए बैठी, समझ गए? लूटने का ठेका लिए बैठी, करोड़ों के यंत्र बनाए बैठे, वे क्या बताएंगे? बच्चा हिल नहीं रहा है, श्वास नहीं ले रहा है, खतरा है, अभी अभी 7 महीने में ही लूट मार। वहाँ समझना, एक लड़का अपने माता पिता को नहीं पूछता पत्नी के बारे में, दोस्तों से पूछता जो खुद ही कच्चे हैं। समझ गए कितने घटा रहा हूँ मैं आपको? सुनो, ऐसे ही जिन शिष्यों का मोक्ष नहीं होना होता है, वे गुरु से दूर रहते, वे गुरु की आज्ञा नहीं मानते, गुरु माने जिनवाणी की आज्ञा नहीं मानते, जिनवाणी की आज्ञा में खाते पीते उठते बैठते नहीं हैं। सुनो, यदि तुम एक दिन भी दुखी हुए हो तो देव साज गुरु की अवज्ञा करके दुखी हुए हो। जल्दी बोल गए, देव शास्त्र गुरु की मर्यादा भूलने वाला दुखी होता है, और देव साज गुरु की मर्यादा में रहने वाला कभी दुखी नहीं होता, उसका मोक्ष पक्का है। कब क्या पढ़ा रहा था मैं? अर्थाप ग्रह हो, जिसको ऐसा खाना होता है उसे पापा की याद ही नहीं आती। तमाकू के सामने तमाकू का अर्थाप ग्रह, पापा का व्यंजनाग्रह। टटोल के देगा, ये बत्ती ज्ञान में ऑटोमेटिक होता है, तुम्हारा इंटरेस्ट जिसका नहीं होता ना, वो ऑटोमेटिक ही। पढ़ा चुका हूं कल परसों में दृष्टांत देकर, आपको यहां से उठते से ही भगवान आत्मा का व्यंजनाग्रह क्यों हो जाता है? त्रिकालीय रूप तो सदा मौजूद है, उसका व्यंजनाग्रह क्यों हो जाता है? बाकी सबका अर्थाग्रह कैसे होता जाता है? मैं इस समय इतनी गहराइयों से बोल रहा हूँ कि मैं बता भी नहीं सकता कितनी गहराई से कह रहा हूँ, सब तो सीमित ही होते। बोलूँ थोड़ा सा? बोलूँ, इम्प्लीमेंटेशन बहुत है इसके। जब बड़े बड़े विद्वान भी मेरे साथ रहने वाले ब्रह्मचारी भाइयों को ये प्रेरणा करते हैं, शादी कर लो, कौन देगा भोजन? हर कोई सुमत प्रकाश नहीं बन सकता, हर कोई गुरुदेव नहीं बन सकता, हर कोई भगवान नहीं बन सकता। गाड़ी पे बैठ कर रहे हैं सब पत्ता भगवान छो, और ब्रह्मचारी से कह रहे हैं भैया तुम भगवान नहीं बन सकते, विकारों को नहीं जीत सकते। और बेटा कोई नहीं पूछता, बदनाम हो जाते हैं, भला हो जाता है, बस बुढ़ापे में क्या हुआ? अरे मेरे से पूछो इसका उत्तर, मैं क्या देता हूँ इसका उत्तर? सुना, यदि तुम देव साज गुरु की मर्यादा में रहोगे तो पंचम काल में भी इंद्र आकर तुम्हारी सेवा करेगा। गुरुदेव श्री का बुढ़ापे में क्या हुआ? सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य जिन्होंने दीक्षा ली और अपने गुरु की मर्यादा में रहे, गुरु की मर्यादा में रहे, देवताओं ने 12 वर्ष तक आहार दान दिया है। उस भयंकर जंगल में आहार दान कौन ने दिया उनको? नगरी बना करके गोमटेश्वर बाहुबली वाले गांव में
जिसको अपन जैन बद्री कहते हैं, कौन ने दिया? उन्होंने दिया? बिल्कुल नहीं। देव सात गुरु की मर्यादा में रह करके सील की नौवाड़ पालो, स्वाध्याय करो, तुम्हें किसी की याद नहीं आएगी, वे तुम्हारी याद करेंगे। अग्नि परीक्षा देते समय सीता ने ज्ञाय का व्यंजनाग्रह नहीं किया, ज्ञाय का व्यंजनाग्रह नहीं किया। सुनो, देवताओं को सीता का अवग्रह हुआ। क्या कह रहे हैं? समझ आए? टेक्निकल भाषा नहीं समझ आए? अर्थाग्रह, सीता अग्नि परीक्षा दे रही है, ऐसा अर्थाग्रह किसे हुआ? देवताओं को। इसने नहीं सोचा, हे कोई सौधर्मेंद्र, हे कोई व्यंकर, हे कोई पिसा, हे कोई और एक्स वाई जेड। जो ज्ञायक को याद करते हैं देवता, उनकी याद करते हैं। पूज्य गुरुदेव श्री तो अकेले निकल पड़े थे। मैं सच कहता हूँ, हम सबका मिला करके भी जितना पुरुषार्थ नहीं है, उससे अनंत गुना पुरुषार्थ इस पंचम काल में पूज्य गुरुदेव श्री ने किया। हमारे पास तो जल्दी जमाई हथेली पे शिविर मिला है, हमें तो इतने श्रोता मिली है, हमें तो पाठशाला मिली है, हमें तो पढ़ाने वाले विद्वान मिले हैं रोज के रोज, और तब भी हमें वो पुरुष नहीं जानता कि बेटा तू स्वभाव का विश्वास कर, पैसा मत जोड़। मैं पैसा जोड़ के पहुंचा पंडित साहब के पास, आशीर्वाद दिया नौकरी छोड़ने के बाद। तो पंडित साहब को मैंने बड़ी प्रसन्नता से कहा, ताकि वो प्रसन्न हो जाएं। काहे कि प्रसन्न हो जाएं कि आज तो सुमत रिटायर नौकरी को रिजाइन करके आ गया। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया, आप कल्पना नहीं कर सकते। ना भी प्रसन्न हुए, ना मुस्कुराए, ना देख के ऐसे सिर पे हाथ रखा, शाबाश, तुमने बड़ा पुरस्कार किया। नहीं कर, मालूम क्या कहा? मैंने 10 साल में 1.5 लाख रुपये जोड़ लिया। वे बोले, तुम्हें लग रहा है हमने 10 साल में 1.5 लाख जोड़े? हमें लग रहा है तुमने 1.5 लाख के चक्कर में 10 साल खोले। छूट बोले, छूट बोले, बेटे हम तुम्हें खुश नहीं करना चाहते। अकेले में जब भी हमारी ऐसी बात होती है ना, ऐसे नहीं होती, शाबाश बेटा तुम बहुत नाम कर रहे हो, बहुत निहाल कर रहे हो, बहुत प्रभावना कर रहे हो, वेरी गुड वेरी गुड, बहुत। एक बार भी नहीं सुनने मिलती है बात। बोलते, बेटा सारी दुनिया तुम्हें बेवकूफ बना रही है, तुम बेवकूफ नहीं बनना, ठगाना टोकने वाले हितेशी नहीं मिले तो अनंत पाप का उदय है, तारीफ करने वाले पीठ पे हाथ फेरने वाले सिर पे हाथ रखने वाले मिल जाए तो पाप का उदय समझ। बोले, हम तुम्हें खुश नहीं करना चाहते, हम तुम्हें खुश देखना चाहते। तुम ज्ञायक के बल से खुश होगे तो हम समझेंगे सुमत अच्छा है, और भीड़ को देखकर खुश होएगा तो हम समझेंगे सुमत चला गया गहरे पाताल। ऐसे गुरु चाहिए। बहुत बहुत सीखने को मिलता है, सच में बहुत सीखने को मिलता है। एक छोटा सा बच्चा था, समय से आज की प्राकृत गाथाएं सुनाता था, वो कक्षा 2 में था। तो मैंने बड़ी प्रशंसा की उसकी पंडित साहब के सामने, बहुत प्यारा बच्चा है, बहुत इंटेलिजेंट है, गाथाएं सुनाता है कक्षा 2 में। पंडित साहब के चेहरे पर कोई मुस्कान नहीं, कुछ नहीं, बहुत अच्छा 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 कुछ। बोले, भैया सबसे इंटेलिजेंट बच्चा वह है जो ज्ञायक हो जाए। आत्मा को नहीं जाने तो फिर कुछ जानना नहीं है। ये तो क्या है, रट लेंगे, सेव समय, इसमें क्या रखा? कुछ समझ में आया इतनी देर में मैंने क्या पढ़ाया? ज्ञानियों का अर्थाग्रह कहाँ से होता है? ज्ञानियों का अर्थाग्रह कहाँ से होता है? आज तुम्हारी तारीफ कर रही और तुम यहाँ से उठकर गए, भाई साहब की नज़र मेरी बड़ी दृष्टि, मेरा बड़ा आदर है, भाई साहब मेरी तारीफ की, भाई साहब ने मुझे सारी, जब मेरा नाम लिया, देखा था तुमने कितनी ताली बजी थी, गजब, कितने कैमरे चमके थे। सुना, तुमने इसका अर्थाग्रह कर लिया, तुम्हें नहीं मालूम इस अर्थाग्रह में तुम्हारा ज्ञायक व्यंजनाग्रह को प्राप्त हो गया। आया कुछ समझ में? आया कुछ? मध्य ज्ञान स्रोत ज्ञान वालों के लिए एक मजबूरी है, मजबूरी, वे एक बार में एक को विषय बना सकते हैं। क्या बोला हमने? एक बार में एक को विषय बना सकते हैं, या तो तू स्वयं को विषय बना या पर को विषय बना। बोल क्या करना है?
पर को विषय बनाओगे तो स्वयं का व्यंजन अग्रह होगा, और स्वयं को विषय बनाओगे तो कल ही बच्चा बोला ये बहुत जम के भूख लग रही थी, लेकिन फिर आपका प्रवचन स्टार्ट हुआ तो फिर भूख कहने लिखना चली गई। सबको हो जाता है ऐसा, पैर बहुत दुख रहे हैं सुबह से बैठे हैं, लेकिन प्रवचन के विषय में अवग्रह होने लगे तो पैर का पता ही नहीं लगता। गलत कह रहे, इसका क्या मतलब? तू एक काम कर, तू निर्णय करके ज्ञाय की रुचि कर, फिर तुझे जिंदगी में अवग्रह करना नहीं पड़ेगा, उसका अर्थावग्रह ऑटोमेटिक होता चला जाएगा। अब सोचो इसी रुक गया थोड़ा, बोलना तो बहुत थोड़ा रुक गया। अभी मैं स्मारक में जब पढ़ा रहा था तब मेरे ज्ञान में एक बहुत बढ़िया बात आई पढ़ने में, क्योंकि जब मैं पढ़ा रहा था तो लोग नाराज हो रहे थे, इतना आप तो अवग्रह में इतना बोल रहे हो तो फिर उत्तर तो देना पड़ेगा। तो मुझे इतनी बढ़िया चीज मिली, दो तीन धवला जी में लिखी हुई है, मैं पढ़ के सुनाता हूँ आपको। अवग्रह के अपर नाम बताता हूँ आपको, अवग्रह के, अभी तो मध्य ज्ञान के अपर नाम बताए थे, आज आप अवग्रह के अपर नाम पढ़ेंगे। क्या अवग्रह में इतनी सुंदर बात लिखी है कि दो प्रकार का भेद है उसका, विशद अवग्रह, विशदाग्रह और अविशद अवग्रह। हम आपको स्पष्ट जानना नहीं होता है अवग्रह में, एक अविशद कहलाता है। विशद अवग्रह माने क्लियर कट, थोड़ा विशद अविशद नहीं समझोगे, नहीं समझ में ना, विशद अविशद मत आन दे, हिंदी इंग्लिश में समझाऊं, विशद माने क्लियर कट, क्लियर कट ग्रेस्पिंग, और अविशद माने नॉन क्लियर, क्या बोलना चाहिए कि अनक्लियर समझ लो। जैसे मैं एक बात कहूं, एक दृष्टांत की बात कहता हूं, भैया एक काम कर सकते हो मेरे कहने से, कोई हाथ खड़ा करो उसे पूछो तुमसे, तैयार है ना, तो तुम मेरे कहने से एक काम कर सकते हो। अरे बोलो, अरे हाँ किया था वहाँ करो, सबको पता तो कौन ने हाँ किया, मेरे कहने से एक काम कर सकते हो। अरे बोलो नहीं, कैसे आदमी बोलो, सब नहीं जिसे पूछ रहा हूँ। तो एक काम करो, एक रुपये का डोनेशन कर दो। कितनी जल्दी कर दोगे बोलो, क्योंकि एकदम बात समझ में आ गई, एकदम समझ में आ गई कि इसका मतलब है एक रुपये डोनेट। अब मैं एक बात कहता हूँ, एक करोड़ रुपये डोनेट कर दो, करना चाहिए, करना चाहिए, क्यों जी पता क्यों गई? जब एक रुपये का डोनेशन सुना तो आपको जो क्लियर कट हुआ, एक करोड़ में आपको लग रहा है कहाँ से ना नहीं दे सकता मैं, एक करोड़ रुपये देने की मुझे कोई है दिखाई नहीं दे रही दूर दूर तक। आपको पता है आपके ज्ञान ने इतनी जल्दी पता लगा लिया कि मैं नहीं दे सकता, सोचना नहीं पड़ा। बोलो, एक 80 साल की महिला से कहो ऊबर चल रही क्या हो, तो वो हम काहे के बल पे हाओ कह रही, मोटरसाइकिल नहीं नहीं पैदल, अब क्या बात हो गई, समझ में आ रही आपको बात? मैंने जिस मैं एक तुम प्रवचन करने बिठा दूँ तो तुम परेशान जब होते हो ना, परेशान प्रवचनकार परेशान होता है, समझा नहीं पाता, दृष्टांत नहीं दे पाता, वो अभिषेक की तकलीफ है, और जिस विषय पे उसका कमांड होता है बिठा दो धड़ाधड़ प्रवचन, क्यों उसको विषय है। अब तो समझ में आया, अवग्रह के दो भेद, अर्थाग्रह और व्यंजनाग्रह, और अवग्रह के भी दो भेद, विशद अवग्रह और अविशद, माने बहुत क्लियर कट परफेक्ट हो जाता है। एक ही विषय पर दस व्यक्ति, एक सुनना ध्यान से, एक विषय पर ही 10 विद्वानों के प्रवचन कराओ और 10 टॉपर, 10 टॉप विद्वान। आपको पता है दसों के प्रवचन अलग अलग क्यों होते हैं? क्योंकि दोनों दसों का विशद अवग्रह अलग अलग है, दृष्टांत अलग अलग हो जाएंगे, शैली बदल जाएगी। क्यों बदल जाएगी? क्योंकि अवग्रह उतना वैसा है,
एक बात समझ में आ गई आपको, अब आ जाइए अपन आगे बढ़े। अब परिणाम देखिए जरा, पेज नंबर 74 निकालिए, दूसरा नंबर हेडिंग है सबसे नीचे, अपर नाम, बड़े प्यारे प्यारे नाम हैं, पढ़ो। सबसे पहला अपर नाम है अवग्रह का, एक काय का अवग्रह का, 74 नंबर के पेज पे सबसे नीचे, चार्ट के नीचे, चार्ट के नीचे पहला नाम है अवधान। अवधान पढ़ते से मैं तो नाच उठा, क्योंकि अवग्रह की ताकत, अवग्रह की अवधान, अवधान नाम सुने वो शताब्धान, 500 अवधान, श्रीमद राजचंद्र ने 100 अवधान किए थे, शताब्धान, और वर्तमान में एक अजीत सागर जी हुए अभी श्वेतांबरों में, 500 अवधान किए उन्होंने, 500। और वे कह रहे तो बहुत बहुत सिंपल चीज है, मिलकर देखो आप उनसे, बिल्कुल सिंपल चीज है, बच्चा कर देगा, उसमें क्या है, अपने को अवधान बहुत बड़ी चीज लग रही है, उनसे मिलकर देखो आप, उनके यहाँ सैकड़ों बच्चे तैयार हो गए अवधान करने के लिए, 50 अवधान, 100 अवधान, 25 अवधान तो उनके बच्चे कर देते हैं, कोई बड़ी चीज नहीं है। लेकिन हमारे में से बहुत लोगों को इस पर आपत्ति है, जो अर्थ मैं कर रहा हूँ वे कह रहे नहीं अवधान माने कोई और अर्थ है, यहाँ पर अवधान माने वो अर्थ नहीं है। तो मैं मुझे वो बताइए कहाँ है वो जो अवधान हम देख रहे हैं, उसको कहाँ लोगे आप, मुझे जिनवाणी में प्रमाण दो, नहीं तो अवधान तो मुझे मिल रहा है, अवधान इतना जबरदस्त है।